بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो वेबिनार है ये मैंने कॉल किया है खास तौर पे इस हवाले से कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट में एडमिशन सिक्योर कैसे करना. सो, आज हम इस पे इन डेप्थ बात करेंगे. इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, एक हम से आगाज करते हैं. थोड़ी ये साइंटिफिक हम है, काफी डीप इसके मीनिंग्स हैं. उम्मीद करता हूँ आप भी इसको उस तरह से ही पसंद करेंगे बहुत ज्यादा जैसे कि इसने मेरे ऊपर असर किया था. सो वी हैव गॉट फ्यू पार्टिसिपेंट्स हियर, उनको मैं एडमिट कर लूं. मेरे ख्यालों की पेचोखम से, मेरे ख्यालों की पेचोखम से खलाकी बेसिमत वो सातों तक, जहाने अंदर जहान बे अंत, ये गर्दिशों का जो सिलसिला है ये सब उसी जाते वाहिद का आईना है. वो जाते वाहिद कि जिसकी असबात के जलवों में वो कहकशाएं भटक रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी से अजल से मेरी तरफ रवा है मगर नहा है, मगर नहा है वो मेरी आंखों की रोशनी से, कि मेरी आंखों की रोशनी तो बस एक जर्रे एक सूरज की सल्तनत में भटक रही है. वो एक सूरज की जिसकी मुट्ठी से मेरे दिन रात फूटते हैं, ये उस घोड़े की गर्द पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है. मैं उसे किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी इन बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है. तो फिर कलम को अंबर में डबोकर महक में सारे हरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं, कहां नहीं था कहां नहीं है मुझे बतावो जहां नहीं है. वही तो है लाशरी को यकता, सबका खालिक सबका आका, रहीम और रहमा सिफात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी. सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वंस स्पेशली हु हैव जॉइंड लेट. अब हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. ये हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक का टाइटल है, सीनियर हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन नस्ट. लाइक ये 2020-21 के सेशन के लिए इंशाल्लाह मैं आज आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा. वंस अगेन द वंस हु डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर मुअज्जम मंजूर, द को-फाउंडर एंड द मास्टरमाइंड ऑफ topgrade.tk. इससे पहले कि अपने डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, I want to generate a very important lesson here. और वो lesson ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे आज के लेक्चर को या आज के वेबिनार को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आपने सुनने के साथ साथ इसको इन डेप्थ समझना है. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है. जो इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल lessons इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएंगे, राइट, जो कि आपको बेसिकली मैं आपको इक्विप कर दूंगा विद ऑल द टूल्स एंड टैक्टिक्स, जिनको यूज करते हुए आप लोग इंशाल्लाह इसमें नस्ट में एडमिशन लेंगे. लेकिन आपने क्या करना है, आपने सुनना है, समझना है और साथ साथ ये सोचना है कि जो भी आज आपने समझा है, सुना है और सीखा है, इसको आप अपने नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी में किस तरह से अप्लाई करें. सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर. सो दिस इज आवर टुडेज बिग पिक्चर. यहाँ पे हमारी आज की ये बिग पिक्चर है. तो आज हम 6 मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे एज फार एज द एडमिशन इन नस्ट इज कंसर्न्ड. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट में दाखिले के लिए जो कंपटीशन है वो किस हद तक है, लाइक आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, राइट. सो आपको एटलीस्ट अच्छा अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा इस तरह के कॉम्पिटिशन के अंदर हमने अगर एडमिशन लेना है तो what it will take, right? So हम competition में थोड़ी सी बात करेंगे. Secondly, quickly मैं आपको बताऊंगा eligibility and the selection criteria के बारे में. और thirdly,
मैं आपको थोड़ी देर में सम अप करूंगा आपके सामने कि किन किन मराहल से गुजर के आपका नस्ट में दाखिला होना है और आपने वहां पे रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर हम एक इंतहाई सेगमेंट, अहम तीन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली नस्ट एंट्रेंस टेस्ट को मैं इस एंगल से डिस्कस करूंगा कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और एग्जाम में आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर आपने लेना है, तो नस्ट के एंट्री टेस्ट को मैं बड़ा क्रिटिकली डिस्कस करूंगा। वो सारी अहम थ्री इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि इस एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर हाई स्कोरिंग इन नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। सो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 टेलर मेड नस्ट के लिए टिप्स देनी है। ये जो खास तौर पर टिप्स आज मैं दूंगा ये सिर्फ और सिर्फ नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 5 अहम तीन प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा प्रेपरेशन के, कि अगर आप उन प्रिंसिपल्स पे पक्के रहेंगे, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को होल्ड करेंगे, आप उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे, तो इंशाल्लाह आप नस्ट में एडमिशन अपना सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप ग्रेड ने NET के लिए आपकी तैयारी किस तरीके से करवानी। सो मैं अपना हमारा जो मैकेनिज्म है प्रेपरेशन के अंदर रिमेनिंग डेज, मैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो ये बॉटम में स्क्रीन के बॉटम में मेरा नंबर गिवन है, जहां इस वक्त कर्सर आप देख सकते हैं कि ये 03009456180। सो ड्यूरिंग द लाइव वेबिनार अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें या मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहें किसी तरह से, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, राइट? तो मैं वक्तन फक्तन इसको चेक भी कर लूंगा मोबाइल फोन को, और अगर मैं अहम समझूंगा एट दैट पर्टिकुलर स्टेज तो मैं उन क्वेश्चंस को राइट अवे आंसर कर दूंगा, अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन उन सबको इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द कॉम्पिटिशन फॉर एडमिशन इन नस्ट। इसमें आप देखें कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल तकरीबन 70,000 से 80,000 कैंडिडेट्स हैं, 70,000 से 80,000 कैंडिडेट्स हैं जो कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपियर होंगे, नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपियर होंगे फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन नस्ट। तो 1500 से 2000 के करीब, 1500 से 2000 के करीब आप कह लें कि सीट्स हैं, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है। बेसिकली नस्ट जो है आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल, सो डिफरेंट इंजीनियरिंग्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नस्ट पाकिस्तान की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो हर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का और ICS के स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो नस्ट में जाके अपनी ग्रेजुएशन, नस्ट से अपनी ग्रेजुएशन करें, राइट? तो आमतौर पर जो आप सिंपल ECAT देते हैं वो जस्ट एक प्रोविंस की हद तक होता है। When it comes to NUST, तो इसके अंदर हमारे सारे provinces आ जाते हैं और even जो दूसरी state से साथ accessory वो भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसलिए competition में बहुत ही tremendously high है। So 70,000 से 80,000 बच्चे में से सिर्फ 1500 से 2000 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने ultimately select होना है NUST के लिए, right? So this is the level of competition here. तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह आपने इस competition को beat करके अपना admission secure करना। अब हम quickly बात करते हैं eligibility and selection criteria के ऊपर। तो नस्ट के एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि मिनिमम आपको मैट्रिक FSC के अंदर 60% मार्क्स चाहिए, या अगर इनके इक्विवेलेंट एग्जाम्स भी हैं से ओ लेवल ए लेवल वगैरह तो उनके अंदर भी आपको इक्विवेलेंट इसके 60% मार्क्स चाहिए, राइट? सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्तिहान में जस्ट बैठने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि शायद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है तो इससे कुछ ज्यादा जो है वो इसके कुछ ज्यादा परसेंटेज के ऊपर हमारा दाखिला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये समझने के एलिजिबिलिटी का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग एंट्री टेस्ट में बैठ सकते हैं। सो आप उन 70,000 से 80,000 लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कि इसके नस्ट के एंट्री टेस्ट में बैठ रहे हैं, राइट? सो असल कॉम्पिटिशन तो अभी आगे स्टार्ट होना है, इसीलिए है। अच्छा, इसके बाद फिर अब एक और अहम बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है नस्ट में एडमिशन के लिए, इसमें देखें कि नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है इसकी वेटेज है 75%, राइट? उसके बाद फिर आपकी जो FSC है या जिसको हम HSSC भी बोल देते हैं, या A लेवल या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जाम है जैसे DAE वगैरह या HSSC पार्ट 1 अगर आप लोगों ने भी किया हुआ, अगर आपके पास पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं भी है तो बहरहाल सिंपली आप ये कह लेंगे FSC या इससे इक्विवेलेंट अगर कोई भी एग्जाम है तो उसकी वेटेज जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर 15% है।
और जो मेट्रिक है दैट इज 10%। तो इसमें आप देखें कि ये जो 10% है मेट्रिक और ये जो 15% वेटेज है एफएससी, इसके बारे में अब तो आपको खाता खा कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट दो स्टूडेंट्स जो कि अभी स्पेशल एग्जाम में अपियर हो गए, लेकिन मे बी नस जो है सिर्फ पार्ट वन के बेस के ऊपर ही एडमिशन जो अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर दे, वो स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट का भी वेट ना करें, राइट। तो बहरहाल इसमें देखें कि ये 15% वेटेज है इसकी एफएससी की और 10% वेटेज है जस्ट मैट्रिक। तो गुड न्यूज ये है खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम है कि 75% जो वेटेज है वो नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट के। सो ये कितनी जबरदस्त बात है कि आप देखें आप जिस भी तरह के स्टूडेंट हैं, आप एक अबव एवरेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं या आप एक गुड स्टूडेंट हैं या आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, इवन या समझ के जस्ट आप एवरेज एक स्टूडेंट हैं, तो देखिए स्टिल आपके लिए नस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर यू सीन हियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर कर लेंगे तो आपका दाखिला हो जाएगा। देखिए जिनका हाई स्कोर है उनके लिए टेक्निकली तो ये अपॉर्चुनिटी के बजाय थोड़ी सी ये थ्रेट है, जिनका स्कोर हाई है बहुत ज्यादा एफएससी के अंदर, तो भाई अगर एफएससी में स्कोर जितना मर्जी है अगर नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर उनके नंबर नहीं आते उनका दाखिला नहीं होगा। हाँ, अब जिन बच्चों का स्कोर जो है वो मीडियम रेंज में है या लो रेंज के अंदर है रिलेटिवली, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर वो नस्ट के एंट्री टेस्ट में स्कोर कर लेंगे अच्छा, तो वो अब देखें कि वो उन बच्चों को भी बीट कर देंगे जिनके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे और वहां से आगे फिर स्काई इज द लिमिट, राइट। सो यहाँ पे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो एंट्री टेस्ट है नस्ट का ये किस हद तक अहम है अबव एवरेज, एवरेज और इवन समटाइम्स बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, उसके बाद अब हम क्विकली बात करते हैं अबाउट द स्टेप्स फॉर एडमिशन इन नस्ट। इसके लिए मराहिल कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वैसे तो आपको पता है कि एनईटी 1, 2, 3 होते हैं, इस दफा COVID-19 की वजह से जो सिचुएशन है वो चेंज हुई थी, एनईटी 1 कंडक्ट हो गया था, उसके बाद फिर 2 जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया, 2 और 3 को भी वो आगे जाके प्लान कर रहे हैं। बहरहाल जैसा भी है आप प्रिंसिपली हम यही बच्चों को बताते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों में अपियर हों और अल्टीमेटली जिसके अंदर भी आपको बेस्ट स्कोर आएगा तो उसी एग्जाम को वो कंसिडर करेंगे आपको फाइनल एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी में, राइट। तो इसके लिए अभी भी एनईटी 3 के लिए भी अभी जब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दी हैं जिसकी लास्ट डेट है वो 10th of August है, बहरहाल आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर आपने एनईटी 2 के लिए पहले अप्लाई किया वेल एंड गुड, एनईटी 2 में भी आप अपियर हों और एनईटी 3 में भी अपियर हों, एटलीस्ट आप एनईटी 2 से कुछ एक्सपीरियंस ले लें, राइट। जिन्होंने बल्कि एनईटी 1 दिया होगा तो उनको ये एडवांटेज भी हासिल है कि उनको उनके पास अभी एक एक्सपीरियंस है कि चार इस तरह के एनवायरमेंट के अंदर इस तरह का एग्जाम होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज करके उसका फायदा उठा सकते हैं। एनीवेज, तो अभी आप लोग नस्ट के लिए एनईटी 3 के लिए अप्लाई कर दें इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 1 या 2 के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, या टेस्ट में अपीयर हुआ या नहीं हुआ अभी तक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। सो आप लोग एनईटी 3 के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ले लें और एडमिट कार्ड के बाद फिर अब नस्ट का एंट्री टेस्ट दें। अच्छा, नस्ट के एंट्री टेस्ट की डेट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। अब खुद नस्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन्होंने 2 डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट राइटिंग में डेट्स दी, राइट। तो उन्होंने जो उसका मेन पेज है उसके ऊपर उन्होंने कुछ डेट्स डिफरेंट दी है जिसमें उन्होंने ये शो किया हुआ कि जो एनईटी 3 है ये जाके होना है सेप्टेम्बर के अंदर, और इसके मुकाबले में उन्होंने डेट्स टू रिमेम्बर वाले सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी जो एनईटी 3 है ये 22 अगस्त से ऑनवर्ड शुरू हो जाना, राइट। तो हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी 22 अगस्त को ही एनईटी 3 जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जैसे ऑफ कोर्स यूटी जो है वो एग्जाम ले रही है तो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर यूटी का एग्जाम हो जाना है उसके बाद अगर चीजें बेहतर रहती हैं तो देयर इज अ गुड लाइकलीनेस कि अब नस चाहेगा कि वो क्विकली जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर लें, राइट। और इवन दूसरी यूनिवर्सिटीज वो भी फौरी डेट्स अनाउंस कर देंगे इवन थोड़े थोड़े गैप के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हुई, राइट। तो कभी भी इनके एग्जाम्स इतने लेट नहीं हुए जितने इस बार हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसके लिए जो है अब आप ये इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि हम 22 अगस्त को एडमिट कर रहे हैं फिलहाल के लिए एनईटी 3 और तब स्टार्ट हो जाना है। अगर उसके बाद आपको और टाइम मिलता है तो दैट वुड बी इवन बेटर कि आपको अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अगर खुदा ना खासा टाइम नहीं भी मिलता और आपको ज्यादा, स्टिल आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होंगे, अगर क्विकली एकदम से भी एग्जाम अनाउंस होता है आप लोग बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे अपने एग्जाम के लिए। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है तो बस आप यही समझें कि आपके पास अब से ऑनवर्ड जो टाइम है वो तकरीबन ये 28 दिन के करीब बनते हैं, तो यही आपके पास टाइम है। इस 28 दिन के अंदर आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर लेनी है,
और अगर रिमेनिंग डेज जितने भी होंगे उन डेज के अंदर आपने अपनी तैयारी को जो क्या करना है फर्दर रिफाइन ट्यून करते जाना है। जब आप टेस्ट दे देंगे टेस्ट के बाद आपने क्या करना है आपका रिजल्ट ऑफ कोर्स राइट अवे आ जाता है, उसके बाद फिर आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए वेट करते हो। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है आप फीस सबमिट करवा दोगे तो सितंबर अक्टूबर, उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में हम जो अपनी सिलेक्शन लिस्ट है वो लगाएंगे राइट। और उसके बाद फिर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे इन अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर सारे एडमिशन प्रोसेस हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग डेट्स हैं क्लासेस की। और अक्टूबर नवंबर में तकरीबन सारे के सारे कोर्सेज की जो क्लासेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये तो था कि आपने किन मराहल से गुजर के आपने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ toplate.tko को और उसके बिहाफ पे मैं अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड्स व्हिच आई एम गिविंग टू यू, क्योंकि आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी तैयारी को टेलर करने वाले, उसके अकॉर्डिंगली उसको आप एडजस्ट करने वाले हो राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जो डेट्स हैं और जो पॉलिसीज हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन राइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मुझे नहीं पता कि ईद के बाद खुदा ना खासा अगर डिजीज की सेकंड स्पाइक आती है तो क्या होगा राइट। अगर ईद के बाद ऑफ कोर्स हालात बेहतर रहते हैं फिर तो प्रेटी गुड चांस है कि अभी जो वो आपके ये गिवन जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके आसपास आपके एडमिशन आपके एंट्री टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें खुदा ना खासा कि ईद के बाद, जैसे कि ईद उल फितर के बाद एकदम से डिजीज की पीक आई थी, अगर खुदा ना खासा इसके बाद ईद उल अज़हा के बाद भी पीक आती है डिजीज की तो ये फर्दर डिले हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे जाती राय पूछें, ये हरगिज उनकी ऑफिशियल राय नहीं है, मेरी अगर आप जाती राय पूछें, मेरा जाती ख्याल ये है कि सेकेंड पीक अगर आई भी, सेकेंड स्पाइक अगर आई भी वो उतनी इंटेंस नहीं होगी जितनी के फर्स्ट वन थी राइट। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं अब ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट करने की तरफ जाएंगे। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अब हम मैं आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोड है ना कि फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स, कि पहले आपको गेम के रूल पता होने चाहिए और उसके बाद आपने किसी भी दूसरे से बेहतर उसको खेलना है, दैट्स द वे टू विन द गेम। तो एंट्री टेस्ट जो है नस्ट का, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन हियर राइट। तो आपको सबसे पहले इस एंट्री टेस्ट के रूल्स पता होने चाहिए, अच्छा ये इस तरह का एग्जाम है राइट, और इस एग्जाम को आपने एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना है, इसको अपने दिमाग के अंदर आपने बैठाना है कि दिस काइंड ऑफ एग्जाम दिस वन इज राइट, और फिर आपने उसके मुताबिक उस इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है राइट। तो इसलिए मैं इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट को। तो यहाँ पे आप ये देखें कि नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यू सीन हियर, इसमें मैथमेटिक्स या अगर बायोलॉजी का सेक्शन है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी है एनीवेज, उनके वो भी एनईटी के थ्रू भी कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं इन नस्ट। तो चूंकि यहाँ पे मैं मेनली जो हमारी ऑडियंस है आज की वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मैथमेटिक्स के का जो कह लें कि मैथमेटिक्स के अंदर से जो एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे दे वुड बी 80 एमसीक्यू राइट, क्योंकि 40% है ऑफ द टोटल एग्जाम। और उसके बाद में देखें कि फिजिक्स उसमें देखें मैथमेटिक्स में से कितने और फिजिक्स में से कितने, यू सीन हियर 60 एमसीक्यू व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 30% ऑफ द होल एग्जाम। तो उसके बाद फिर आप ये भी देखें कि केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दे वुड बी जस्ट 30 एमसीक्यूज व्हिच वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ द होल एग्जाम, और इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज जो कि 10% है होल एग्जाम के, और इंटेलिजेंस में से 10 एमसीक्यूज जो कि ऑफ कोर्स पूरे एग्जाम का 5% है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात है जिसको आपने रियलाइज करना है और उसके मुताबिक आपने अपनी प्रेपरेटरी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना है। सो लेट मी क्लियर द इंक ताकि मैं उस बात को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रीइंफोर्स यहाँ पे कर सकूं। आप जरा गौर करें कि ये हमारे पास इस वक्त 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेन, कि आपका 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, मैथ और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे, आपको हाँ मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 को मैंने इक्वल तैयार करना, तो अगर आप 5 सब्जेक्ट्स को इक्वल वे में तैयार करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो ये नस्ट के एंट्री टेस्ट में फेल होने के लिए यही आपकी अप्रोच काफी है।
कि आप पक्का आप फेल होने की तैयारी कर, ठीक है। सो इफ यू आर फेलिंग टू प्लान हेयर, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप यहाँ पे सही प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने टाइम को बेहतरीन मसरफ के अंदर नहीं लेके आएंगे, बेहतरीन उसको यूज नहीं करेंगे, तो गॉड फॉरबिड आगे आपका फेलियर जो आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें जरा गौर करें इस चीज के अंदर कि अगर मैथमेटिक्स में से 80 एमसीक्यूज हैं और फिजिक्स में से 60 एमसीक्यूज हैं, विच आर रिस्पेक्टिवली 40% and 30% ऑफ द एग्जाम्स, यानी कि आप ये कह लें कि जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इनमें से आपको 70% एग्जाम पूछे जाने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम के चार हिस्से हैं तो तीन हिस्से तकरीबन सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स के, ठीक है। 70% ऑफ द एग्जाम ये जस्ट इन दो सब्जेक्ट्स में से है, राइट। सो दिस इज द की हियर, कि इसका मतलब ये हुआ कि कम अज कम 70% टाइम आपने जो अपना इन्वेस्ट करना है वो आपने इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर कर। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इसको ग्रैब कर सके, राइट। इसके लिए टेक्निकली इसको कैसे करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए मैं उसके ऊपर भी आपको गाइड करूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि 70% आपने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर कर। उसके बाद फिर केमिस्ट्री या कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस पे आपने बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें से जस्ट जो है वो 30 MCQs है, जस्ट 15% ऑफ द पेपर है। अब आपने इन सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोचेस कैसे रखनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि फिजिक्स को आपने कैसे तैयार करना है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, इसी तरह से इंग्लिश और इंटेलिजेंस, इनकी अप्रोचेस जो है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। पर और यहाँ पे देखें कि बाकी जो आपके तीन सब्जेक्ट हैं तीनों को मिला के कितना एग्जाम दिया जा रहा है आपसे, इन तीनों को मिला के 30%, ठीक है। तो ग्रॉसली स्पीकिंग आपने अपना मिनिमम 70% टाइम जो है ये आपने मैथ्स और फिजिक्स पे लगाना है। 70 से आप भले इसको 80% कर दें तो मुझे एतराज नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंग्लिश और इंटेलिजेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये खातर खा इनके ऊपर हमने टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं, तो इनका भी जो टाइम है हमने फिजिक्स और मैथ भी लगाना है। क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हद से ज्यादा तो उसका आपको उल्टा नुकसान है। तो ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम लगाएंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो टाइम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर तो आपने आपने उस तैयारी का आपको उतना फायदा नहीं होना एग्जाम में जितना कि आपने अपनी फिजिक्स और मैथ की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट। सो अभी मैं इसके लिए आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बस सिर्फ और सिर्फ मतलब आपने मैं आपको अभी आगे चल के एक चीज बताऊंगा कि मैथ्स और फिजिक्स की आपने बेहतरीन तैयारी कैसे करनी और केमिस्ट्री की आपने दरमियानी सी तैयारी कैसे करनी और इंग्लिश और इंटेलिजेंस की आपने कम से कम तैयारी क्या करनी। सो मैं आपको तीनों चीजों की अलग अलग अप्रोच दूंगा तीनों कैटेगरीज की, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के तीन ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है, एक अहम सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वाला, और दो सब्जेक्ट जो कम अहम है जो कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। स्कोर हमने सबके अंदर करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस में आपका स्कोर ना भी आए तो आपका नस में दाखिला हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका इंग्लिश और इंटेलिजेंस के पोर्शंस के अंदर अगर आप तैयारी कम भी करोगे तो भी आप नंबर ले लो, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो कम तैयारी क्या करनी है कैसे करनी है आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक अहम तरीन बात वो ये है कि नस जो है इसके जो क्वेश्चन है दे आर हाईली conceptual। मैंने खुद बहुत सारे entrance exams के अंदर मैंने extraordinary score किया हुआ है and NUST entrance test is one of them। आप सोच रहे होंगे कि सब pre-medical के student हैं, इन्होंने NUST entrance test like किस domain में दिया होगा। तो basically जिस साल मैंने NUST के entry test में मैं appear हुआ था उस वक्त medical में दाखिले के लिए भी army medical college में MBBS admission के लिए भी NUST ही test लेता था। तो NUST का क्लासिक एंट्री टेस्ट होता था, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में मेरा जो मेरिट ऑर्डर था आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45,000 स्टूडेंट्स जो कि उस वक्त अपीयर हुए थे, मेरा जो मेरिट ऑर्डर था प्री मेडिकल की बात मैं कर रहा हूँ, दैट वाज 69 मेरिट ऑर्डर था। तो आई हैव गॉन थ्रू दिस और मैंने तकरीबन 8-10 डिफरेंट एंट्री टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट था बिलीव मी वो NUST का था, राइट। सो हाईली कॉन्सेप्चुअल ये NUST का पेपर होता है। कॉन्सेप्चुअल से मुराद ये है कि इसके अंदर बुक के जो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं सीधी सीधी बातें वो कम पूछी जाती हैं, इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के नई नई सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करा करा के ज्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मैं आज आपको दूंगा कि किस तरह से आपने कॉन्सेप्चुअल वे में अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना।
ओके तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं NUST के एंट्रेंस एग्जाम में वो कितने होने हैं, और हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया। अब इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 200 है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड होता है, तो आंसर इज ये आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड ही है। प्रीवियस ईयर्स में जो इस्लामाबाद में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इस्लामाबाद में टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है दैट इज ओनली कंप्यूटर बेस्ड, राइट। जबकि क्वेटा और कराची के अंदर इवन पेपर बेस्ड एग्जाम जो है वो भी लिए जाते थे, राइट। तो इस साल जो COVID-19 की सिचुएशन है तो हो सकता है कि वो इनको भी कंप्यूटर बेस्ड की तरफ शिफ्ट करें किसी ना किसी तरीके से, राइट। क्योंकि अभी तो इवन यूटी वगैरह भी जो कि पहले पेपर बेस्ड लेते थे वो भी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब NUST की भी लाइकलीनेस है कि ये भी बजाय के बड़े बड़े हॉल में बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक ही पेपर बेस्ड एग्जाम लें, मे बी कि ये अब टोटली कंप्यूटर की तरफ जाए। तो अभी तक उन्होंने अपनी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने किसी भी पेज पे ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने पेपर बेस्ड टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, खत्म कर दिया ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट, वो मेरी नजर से नहीं गुजरी, राइट। बहरहाल फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस आप ये समझेंगे ये आपका जो पेपर है ये है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और अगर आप जिस भी प्रोविंस से हैं आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो दे ही सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसका बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर इस टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, तो वो बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम सेट की बुक्स लें या हम जो है वो ए लेवल की बुक्स भी साथ पढ़ें या एमसीक्यूज की कौन सी बुक्स पढ़ें या लाइक FSC की बुक्स क्या काफी है NUST के एंट्री टेस्ट के लिए, क्योंकि NUST के एंट्री टेस्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है तो शायद इससे FSC की बुक्स इतनी कॉन्सेप्चुअल नहीं होती तो शायद इससे तैयारी ना हो सके एंड सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बच्चे पूछते रहते हैं, तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए अगर कोई बेहतरीन रिसोर्स है NUST के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने FSC की है किसी भी बोर्ड से, किसी भी प्रोविंस के किसी भी बोर्ड से, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है आपने उन्हीं को दोबारा पढ़ना, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कोई नया कंटेंट पकड़ें, कोई नई चीजों को पकड़ें और उनसे दोबारा चीजों को सीखना शुरू कर, नई बुक्स को पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को पकड़ें, ऑफकोर्स वो आपके लिए टोटली न्यू बुक्स है तो उनको इवन फर्स्ट रीड देने में आपको बड़ा टाइम लग जाना है, फिर उनको उनके अंदर से बारीक बारीक पॉइंट्स को निकालना, समझना, कंप्रीहेंड करना, दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक होगी अगर आप अपनी FSC या ए लेवल के बुक्स को छोड़ के किसी और बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे, बिल्कुल भी आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि NUST का जो NUST वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ बोर्ड से, उनके बुक्स में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन भी हैं, तो वो बड़ा सोच समझ के एग्जाम बनाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वो कॉमनली टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट जो है जितने भी बच्चों मैंने लाइक जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड से थे, डिफरेंट प्रोविंसेस से थे, तो सभी का यही कहना है कि हमारी FSC की बुक्स में से ही पेपर आया, खास तौर पे जो साइंसेस का पेपर है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, ये तो हमारी बुक में से ही आए, राइट। सभी बच्चों का यूनानिमसली यही कहना है, इसलिए आपके लिए जो स्टडी रिसोर्सेज रिकमेंडेड हैं और जो सजेस्टेड हैं वो क्या है, वो आपके अपने FSC की या ए लेवल की ही टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने ए लेवल किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि ए लेवल ही की बुक्स को दोबारा पढ़े, राइट, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी रिफ्लेक्सेस हैं वो उन्हीं के साथ हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं कि इसके अलावा और रिसोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा जो topnet.pk का NET का 2020 का कोर्स है, ये भी एक मोर देन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्स है फॉर द NUST एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये मैं क्यों इस बात को इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि किस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। अभी आपको भी थोड़ी देर में बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कितना पावरफुल कोर्स है और ये किस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा। इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा। ऑलराइट, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के अंदर एक तो आप लोगों ने सारे MCQs अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इट वुड बी सिली टू लीव द क्वेश्चंस अनआंसर्ड देयर। सेकंडली, चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है, चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है, तो इसके अंदर आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, राइट, मार्क कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो मार्क्ड MCQs हैं आप उनको बाद में दोबारा रिव्यू करके उनका आंसर को चेंज भी कर सकते हो उसको टेस्ट को सबमिट या सेव करने से पहले, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे वो इस तरीके से आप बनाओगे कि आपको आपको पता हो, एक तो आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि सारे MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने फर्स्ट गो के अंदर क्या करना है, आपने पहले जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करना है,
राइट, सारे के सारे सेक्शन के क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं बस आपने उनको अटेम्प्ट कर देना, या एटलीस्ट जिन सेक्शन की वेटेज हाई है कोर्स मैथ्स फिजिक्स में, तो उनको बिल्कुल स्टार्ट में हमने रखना, ठीक है। और जो आपके देखे ना क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, आप समझो कि तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक है आपके पास इजी क्वेश्चन, एक है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और तीसरे हैं वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो इजी क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे आपको आते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको सीधा जवाब आता है, आपके लिए इजी है। अब जो आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, कि मे बी आपके दो ऑप्शन कंफ्यूज है चार में से, या पांच में से आपके दो ऑप्शन कंफ्यूज है, या पता नहीं ये सी और डी में से कौन सा है, ये आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं, लाइक आपके लिए सारे ऑप्शन चार या पांच, अगर ए बी सी डी ई सारे के सारे ऑप्शन ही कंफ्यूज है, आपको कोई पता नहीं है इनमें से कौन से ऑप्शन की कोई सेंस बन रही, ये आपके लिए वेरी डिफिकल्ट है। तो अब आप ये देखें कि जो इजी क्वेश्चन है, लाइक आप ये नहीं कभी भी नहीं चाहोगे कि आप जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट इस तरीके से करो कि आप सारे के मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम लगाते जाओ साइड बाय साइड, और एंड में बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपके अनआंसर्ड रह जाए। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो आपको आता है, यानी कि इजी क्वेश्चन उसके नंबर फौरी तौर पर आपकी पॉकेट में आ जाए, और उसके बाद फिर जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट है आपने इन डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर सेकंड थर्ड गो के अंदर टाइम दोबारा इन्वेस्ट करना। और वैसे भी एक क्वेश्चन ऑन एवरेज हम कहते हैं जनरली सारे एंट्री टेस्टों के लिए ये बताते हैं कि ऑन एवरेज जो एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो 40 सेकंड दिया जाता है। तो पहली दफा जब आप पूरे सेक्शन पूरे पेपर में से गो थ्रू हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 40 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी जान छोड़ दें, या तो बेस्ट आंसर अपना पिक करके आगे चले जाएं, और या फिर उसको खाली छोड़ के आगे चले जाएं, लेकिन खुदा रहा एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपने अड़े नहीं रहना बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन है आप ये सोचते रहोगे यार आई एम जस्ट टू गेट टू द राइट आंसर, बस सही जवाब निकलने ही वाला है, अगर आप ये इस सोच के साथ आप पांच सात सवालों के ऊपर पांच पांच मिनट लगा दोगे, आपका बाकी पूरे का पूरा एग्जाम जो क्राइसिस में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले गो में सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, उसके मार्क्स अपनी पॉकेट में पक्का कर लेना। समझ लेंगे टेक्निकली आप तकरीबन 70% पेपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होगा क्योंकि उनको स्ट्रेट वे आता होगा, ठीक है, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग 30% पेपर है, अब और ये क्वेश्चन भी ऐसे अगर ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के ऊपर 40 सेकंड लगते हैं, तो अगर आपके लिए इजी क्वेश्चन है मे बी आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ। तो अब आपने इन इजी क्वेश्चन से टाइम भी बचा लिया, अब आपको और भी ज्यादा तसली भी होगी, आपने मेजर पोर्शन में से आप गुजर भी गए हो, ऊपर से आपने टाइम भी बचा लिया काफी सारा, और अब आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन द डिफिकल्ट एंड द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज अगर आपके पास डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम था आपके पास 40 सेकंड, और इजी क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकंड था, आपने इजी क्वेश्चन को ऑन एवरेज 25 सेकंड में सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए कि हर क्वेश्चन में से 15-15 सेकंड आपने बचाए, वो सारा टाइम आपने डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर देना है। तो जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा तसल्ली के साथ दोबारा अटेम्प्ट करोगे, आपको पता है मेरे पास खुला टाइम है, मैं 1.5-2 मिनट इजीली इस क्वेश्चन को दे सकता हूं, तो अब आपके क्वेश्चन उसके ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। सो कंक्लूसिवली मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने 3 साइकल्स के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना, पहले गो के अंदर आप सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जो डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको मार्क कर दें, और सेकेंड गो के अंदर आप क्या करें, जो भी आपके जो क्वेश्चन हैं जो जिनको आपने मार्क किया हुआ है उसमें से खास तौर पे जो डिफिकल्ट वंस हैं अगर वो ज्यादा है दो दो ऑप्शन वाले कोशिश करें पहले आप उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद थर्ड रिव्यू के अंदर आते हुए अगर आप चाहें तो जो रिमेनिंग है उनको आप सॉल्व करें, राइट। तो जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो चांसेस हैं एग्जाम में मैक्सिमल स्कोर करने के वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद फिर ये भी एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चंस जो है दे कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी ऑर्डर। अगर आप इसका जो यूजर इंटरफेस देख भी लो नस्क एंट्रेंस टेस्ट का जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया हुआ है उसके अंदर आपको सेक्शंस के दरमियान भी नेविगेट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो आप जिस सेक्शन को चाहो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जहां से आपका 70% पेपर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं तो यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, राइट, क्योंकि इनमें से मेजर बल्क इन क्वेश्चंस वो है ही इधर पड़ा हुआ, राइट। और उसके बाद फिर जो आप फिर आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश को एंड पे जाके आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि वो थोड़े से लाइक समटाइम्स लेंथी भी हो सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद फिर जो टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो नस्क के लिए जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, एक इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड सेंटर होता है, राइट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रांची और क्वेटा के अंदर पेपर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सेंटर बनते हैं, बहरहाल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप जॉन सा भी चाहो चूज कर सकते हो। तो इसमें आई वुड पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग बेहतर ये है कि आप इस्लामाबाद में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है
आप इसी को अटेम्प्ट करो, ये ज्यादा फ्रेंडली भी है वैसे, पर्सनली मुझे तो ये ज्यादा फ्रेंडली लगता है। ऑलराइट, उसके बाद में देखें कि आप जब आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आप तब टेस्ट सेंटर के बारे में चूज करोगे और टाइम ऑफ प्लेस ऑफ टेस्ट ऑफ कोर्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर चाहिए मेंशन होगा। अब हम जनाब मूव करते हैं टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन, एंड दैट इज द टिप्स फॉर हाई स्कोरिंग इन NUST एंट्रेंस टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 टिप्स देनी है। प्रीवियसली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कभी मैंने 16 टिप्स दी हैं, कभी मैंने 11 टिप्स दी हैं, लेकिन NUST के एंट्री टेस्ट के लिए खास तौर पे मैंने 5 टिप्स देनी है, और वो टिप्स एक्सक्लूसिव है फॉर द NUST एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। खास तौर पे मैंने इन टिप्स को डिवाइस किया है कि NUST के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो इन टिप्स को अब आपने लेके अब आप अपनी स्ट्रेटजी दिमाग में बनानी शुरू कर दें अभी से बैठे बैठे कि यार मैंने NUST के एग्जाम की तैयारी शुरू करनी कैसे। पहले आप जिस भी तरीके से चल रहे थे, मे बी आपका तरीकाकार अच्छा तरीकाकार होगा या बेहतर होगा, लेकिन आप लोगों ने बेहतरीन तरीके की तरफ जाना, ठीक है। आप लोगों की अप्रोच ये होनी चाहिए कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, तो जो पेपर इसकी तैयारी करनी है NUST एंट्री टेस्ट की, वो जो बेहतरीन तरीका है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इसके अंदर अगर आप देखें, सो लेट मी चेक आउट फ्यू मैसेजेस हियर, इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट को स्टार्ट करूं। ओके फाइन, तो अब जो है हमारे पास ये इसकी टिप्स आ जाती हैं फॉर हाई स्कोरिंग इन NUST एंट्रेंस टेस्ट। इसमें पहली और अहम तरीन जो टिप है वो ये है कि आप लोग अपना रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, सारे लोग अपना रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल बना लें। अगर आपके पास रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल नहीं है, आपकी इम्तिहान की तैयारी अच्छी नहीं होगी, राइट। और ये जो आपका रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल का जो मसला है, ये बहुत बड़ा एक मसला है, इस मसले को मैंने हल भी कर दिया बहुत अच्छा, ठीक है, कि रिटर्न स्केड्यूल एक बेहतरीन किस्म का स्केड्यूल, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके और बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने NUST में एडमिशन सिक्योर किया है, इवन वहां से ग्रेजुएट हुए हैं और इवन NUST के एग्जाम्स के अंदर उन्होंने टॉप स्कोर्स के अंदर वो आए हैं, टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज करके मैंने अल्टीमेटली एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो स्केड्यूल है उसको मैंने लाइनअप किया है। उसमें वो रिटर्न फॉर्म में स्केड्यूल है जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आपके जो कंसर्न्स उनको एड्रेस कर देता है। अब ये स्केड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 25 जुलाई से तैयारी शुरू की है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक 25th ऑफ जुलाई से हमने तैयारी शुरू की है। यहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, राइट, और हर डे के अगेंस्ट हमने सब्जेक्ट को फिट किया है कि किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे हमने लेके चलना है, राइट। और उसके अंदर हमने इवन यहाँ पे ये भी बता दिया है, अगर आप जरा गौर करो, हमने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंस साथ ही बता दी हुई, राइट, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। और साथ हमने हर टॉपिक के बारे में भी, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स के बारे में भी बता दिया हुआ है कि टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस कैसी है। तो इसको मैं दोबारा फिर फर्दर, ये चीज इतनी अहम, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ। अब देखो कि इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हियर वी गो। अब ये देखें कि ये हमने यहाँ पे बताया है हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए, कि ये मीडियम इंपॉर्टेंस है, हाई है या लो है। और ये किस बेस पे हमने बताया, ये हमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद फिर अगर आप देखो तो इसी तरीके से हमने जो टॉपिक्स हैं, तो इस कॉलम को मैं हाईलाइट करता हूँ, हियर वी गो। सो ये जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, सो नंबर ऑफ टॉपिक्स को लेके भी हमने ओवरऑल बड़ा क्लियरली, ये जगह इसको मैं स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, हमने हर टॉपिक के अगेंस्ट भी बता दिया हर चैप्टर के अंदर, भाई ये एग्जाम के लिए बहुत अहम है। जैसे देखो मेजरमेंट में से फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे यूनिट्स और डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पेपर अगर आ रहा है तो आई सिर्फ इन दो टॉपिक्स से रहा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। सो ये सारे सारे के सारे जितने भी आपके आपका जो कॉन्टेंट है इसके उसका, वो सारे के सारे हमने स्केड्यूल के अंदर हमने फिट कर दिया, राइट। तो इसके अंदर हमने ना सिर्फ हमने आपको ये भी बताया कि इस दिन इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स करने हैं, उनमें से ये अहम है, ये टॉपिक्स करने हैं, उनमें से ये अहम है। और उसके बाद हमने आगे आपको ये भी बता दिया है कि आपने इस तरीके से करने हैं, वो तरीकाकार भी बता दिया, इसको मैं मजीद भी थोड़ा सा आगे जाके एलैबोरेट कर दूंगा, और हमने टाइम भी बता दिया इसके ऊपर कितना लगना है, एंड सो ऑन, राइट।
सो दिस इज अ वेरी वेरी रिफाइंड स्केड्यूल जो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देगा। ओके सो ये रिटर्न स्केड्यूल जो है, अगर आप पास आपने खुद अपना स्केड्यूल नहीं भी बनाया हुआ, आप हमारा ये स्केड्यूल ले लें स्ट्रेट अवे, इसका भले हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकाल के रख लें या अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ शक्ल में रख लें, और इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं ब्लाइंडली फॉर प्रेपरेशन ऑफ द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट, राइट। नंबर टू पे जो अहम तरीन टिप है वो कौन सी है कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स भी प्रायोरिटाइज करने हैं, चैप्टर्स भी और टॉपिक्स भी, ठीक है। अब देखो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस बहुत लेंथी है, आपकी फोर्सेस भी लिमिटेड है। अगर आप कहो ना कि आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को इक्वली अच्छा तैयार कर सकते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने बड़ा सेंसिबली टाइम को वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है जहां से आपका 80-90% पेपर आना है। उसके लिए अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे सब्जेक्ट से है ना कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए जो मैथ है और जो फिजिक्स है, इनमें से आपका 70% पेपर आ रहा है, तो ये अहम तरीन है। उसके बाद फिर जो चैप्टर्स अहम कौन कौन से हैं और टॉपिक्स कौन कौन से अहम है, इसके बारे में भी हमने स्केड्यूल के अंदर बता दिया हुआ। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, आप इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे कि हर दिन के अंदर जो अहम तरीन चीजें आपने उनको पहले कवर कर ले, राइट। स्केड्यूल ही आपको इस बारे में भी गाइड कर रहा है कि अहम चैप्टर और टॉपिक कौन से हैं, अहम सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन। अब यहां भी आप ये भी देखो कि अब मैं आपकी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बनाने लगा हूं, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बनाने लगा हूं कि हर सब्जेक्ट को अपने हाथ कैसे डालना है, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बड़ा ही अहम होता है कि भाई आपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। इसके अंदर अगर आप देखो तो अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें से 80 MCQs आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को तैयार करना है, सारे टॉपिक्स को आप तैयार करें, और जो खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो जिनकी इंपॉर्टेंस लेवल हमने हाई मेंशन की हुई है स्केड्यूल के अंदर, ठीक है, उनके लिए आप टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें। उनमें से अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, आप हमारे लेक्चर भी देख लें, फास्ट वे नोट्स भी देख लें, लेकिन सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम अज कम जो आपके अहम तरीन टॉपिक हैं, खास तौर पे मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के, जो जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, एक पूरे चैप्टर के अंदर कई दफा सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स ऐसे हैं पूरे पूरे चैप्टर के अंदर, तो उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, फिर हमारे फास्ट भी नोट्स भी देख लें, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो लेक्चर भी देख लें, और हमारे एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर लें, पास क्वेश्चन को भी कर लें, क्योंकि आप समझ लें कि उन टॉपिक्स में से आपने कोई चीज नहीं छोड़नी। ये कुछ चैट के अंदर कुछ मेरे पास आए हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बच्चों ने बहुत सारे पूछे हुए हैं इसके अंदर चैट के अंदर, तो इनको भी थोड़ा सा मैं लाइक गो थ्रू कर लेता हूँ। आप लोग ये कोशिश किया करो कि अगर आप लोगों ने मुझे ड्यूरिंग सेशन अगर क्वेश्चंस पूछने हो ना, तो फिर आप जो है ना उसके अंदर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज किया करो। एनीवेज इतने सारे क्वेश्चन को अभी आंसर करने का स्ट्रेट में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करता हूँ अपनी डिस्कशन को। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप ये देखें कि अब अगर आप देखो कि केमिस्ट्री और कंप्यूटर को अगर आप देखो, तो अब इसको इसके लिए आपने क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है, इसके लिए आप लोग तैयारी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट, और केमिस्ट्री के लिए खास तौर पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने तैयार कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट है तो जो कि हमने जिनकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो हाई लिखी हुई है, या अगर आपने और भी तैयारी करनी है तो आप मीडियम वालों की भी कर ले तैयारी, जो मीडियम जिनकी इंपॉर्टेंस है, दो इंपॉर्टेंस वालों को लेफ्ट स्किप कर दें। और इसके लिए भी आप भले टेक्स्ट बुक को भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ ना स्टडी करें, सिर्फ स्ट्रेट अवे केमिस्ट्री के लिए देखें। मैं फिजिक्स के लिए क्या कह रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग अहम टॉपिक्स के लिए टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें और लेक्चर भी और फास्ट भी नोट्स भी और इवन टेस्ट भी, ठीक है, सारा कुछ कर लें अहम तीन टॉपिक्स के लिए। जो टॉपिक्स कम अहम है उनके भले सिर्फ क्वेश्चंस कर लें। केमिस्ट्री के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को भले छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ आप इसके जाना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके आप टेस्ट दे दें और उनकी डिस्कशन ले लें, और जिस टॉपिक में से आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं सिर्फ उस टॉपिक के आप लेक्चर सुन लें और बुक पढ़ लें, नहीं तो केमिस्ट्री की बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब आगे बात आती है इंग्लिश और इंटेलिजेंस के जो पोर्शन। अब जो इंग्लिश और इंटेलिजेंस के पोर्शन हैं, इनके आप देखिए इंग्लिश के अंदर वो टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज वगैरह, ये वो सेंटेंस कंप्लीशन, तो मल्टीपल रेंज में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट की
तैयारी करने से कोई खातर खा आपको फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वो वोकैबुलरी अगर सिनोनिम्स है तो आप कितना सिनोनिम्स तैयार कर लोगे, जस्ट वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश के पास क्वेश्चंस कर लो। पास क्वेश्चंस इंग्लिश के जितने भी हैं सारे के सारे पास क्वेश्चंस ये टॉप ग्रेड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। वो कैटेगोरिकली वहां पे अवेलेबल है, सिर्फ पास क्वेश्चंस कर लो काफी है बस। इसके अलावा आपको इंग्लिश की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। सेम इंटेलिजेंस का पोर्शन है कि इंटेलिजेंस में से भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ पास क्वेश्चंस कर लो। ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ इसके अंदर स्टूडेंट अकाउंट के अंदर कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। तो लेट्स गो हियर टू द स्टूडेंट अकाउंट ऑफ topgrade.pk। नस का जो स्टूडेंट अकाउंट है मैं यहाँ पे चला गया, नस के स्टूडेंट अकाउंट में मैं आ गया हूँ। अब देखो अगर हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जाके लाइक अगर आपका फर्स्ट करें सब्जेक्ट है से इसका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे पास्ट क्वेश्चंस के ऊपर तो देखो कि पास्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है वो इसके अंदर वो आपको इसके सारे के सारे पास्ट क्वेश्चंस जो स्ट्रेट अवे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर इसी तरीके से अगर आप जाओ से इसके अंदर इसके क्वेश्चन बैंक के अंदर लाइक से जनरल मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम जाते हैं, राइट, सो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो पोर्शन है सीन है से एडवांस मैथ में हम जाते हैं, यहाँ देखो ये सारे पास क्वेश्चन आप देखें, ये सारे के सारे पास क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल है। किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक करते हो से नंबर सिस्टम्स हैं तो इसके सारे के सारे पास में जो ओरिजिनल एमसीक्यूज आ चुके हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो पास क्वेश्चन हैं वो आप उनको निकाल सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इवन जो है वो ये खासतौर पर ये इंग्लिश के और मैथ्स के भी जो पास क्वेश्चन हैं अब इनको भी निकाल के आप इन क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, इनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। जो ओरिजिनल पास क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले उन्हीं में से क्वेश्चंस आने के जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, बस आप सिर्फ इन पास जैसे लाइक अगर मैं देखता हूँ एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं तो ये 21 क्वेश्चन है, मैं 21 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट जनरेट कर लूंगा, सिर्फ ये एनालॉजी के मैं ये 21 क्वेश्चन ही कर लूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा अच्छा यार नस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो आप पास क्वेश्चन जो है जैसे ये देखिए स्टेटमेंट है, इसके ऑप्शन है व्हाटसोएवर, सो जैसे कैसे भी है आप इसके अंदर जो पास क्वेश्चन है जहां से जो आपका है कह लो कि जो ये इंग्लिश है और आपका जो ये आईक्यू वगैरह के जो पोर्शन है इनके जस्ट पास क्वेश्चंस भी आप लोग कर लो तो यही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको लंबी चौड़ी और जरूरत भी नहीं है, जो सवाल आपके गलत हो उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लो एंड सो ऑन, ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं जनाब दोबारा अपनी डिस्कशन की तरफ वापस चलते हैं। तो अब ये मैंने आपको सेकंड टिप दे दिया कि हर सब्जेक्ट की आपकी बड़ी पेक्यूलियर और बड़ी स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। वंस अगेन यहाँ पे मैं सम अप करना चाहूंगा कि इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा अहम है कि मैथ्स और फिजिक्स के अहम टॉपिक्स के लिए सब कुछ करें, बुक भी पढ़ें, लेक्चर भी सुने, टेस्ट भी दें, डिस्कशन भी लें। मैथ्स और फिजिक्स के कम अहम टॉपिक्स के लिए या मीडियम इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स के लिए सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करें, गलत होते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, बाकी लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत कोई नहीं। केमिस्ट्री के लिए बुक पढ़ें ना, सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करें जैसे हमने अपने स्केड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है। हाँ, जहां से आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं वहां से बुक को कंसल्ट कर लें, एक्सप्लेनेशन देख लें, अगर बहुत ही ज्यादा कहीं से गलतियां होती हैं तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक भी लाइक उसके लिए वीडियो लेक्चर भी सुन लें एंड सो ऑन। उसके बाद फिर इंग्लिश और इंटेलिजेंस के लिए जस्ट पास क्वेश्चन, बस सिर्फ पास क्वेश्चन ही आप लोग कर लोगे यही आपके लिए काफी, इसके अलावा आपको जरूरत भी नहीं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं टिप नंबर 3 के ऊपर। स्पेंड ईच डे वेरी वाइजली, अकम्प्लिश इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे। देखिए हर दिन के अंदर अगर आप स्केड्यूल पे भी नजर मारो तो जैसे हम स्केड्यूल पे चलते हैं तो इफ यू लुक एट द स्केड्यूल तो यहाँ पे हर दिन के अंदर जो है यू सीन हियर हियर वी गॉट द स्केड्यूल, यहाँ पे हर दिन के अंदर आप देख सकते हो कि ये हर डे के गेंस जो है ये गिवन है काम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह का, ये हर एक के अंदर गिवन वर्क है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बता भी दिया कि ये अपने सबसे पहले फिजिक्स और मैथ के काम को वाइंड अप करना है, उसमें से भी खास तौर पे देखिए मैथ है पहले दिन, नंबर सिस्टम्स की वेरी इसकी हाई इंपॉर्टेंस है तो आप रियल नंबर्स को सबसे पहले तैयार करो। तो इसमें जो अहम तरीन और जो मुश्किल तरीन टॉपिक्स हैं आप हर दिन उनको पहले तैयार करके डे का जो सेकेंड हाफ है उसके अंदर इजी चीजों को आप उसके डे के सेकेंड हाफ के अंदर ले जाओ, राइट। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो स्केड्यूल को यूटिलाइज करो। ऑलराइट, सो ये हो गई टिप नंबर 3। तो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट जो टास्क हैं इनको आप ले आओगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे।
फिर कॉन्सेप्चुअली आप लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। ये भी बड़ा अहम है कि आप लोगों की जो स्टडी है बिल्कुल भी आपने क्रैमिंग्स वगैरह की तरफ नहीं जाना, बहुत कम चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, नस का जो एंट्री टेस्ट है इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोगों ने जब बुक्स भी पढ़नी है, क्वेश्चन आपका फोकस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रिव्यू नोट्स देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस ऑल टाइम होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करनी है। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप अटेम्प्ट कर पाओ। फिर टिप नंबर 5 क्या है कि प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। अब तकरीबन जो हमारा जो स्टूडेंट पैनल है, जो टॉप रेट का स्टूडेंट पैनल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे मैं इसके होम अकाउंट पे, इसे होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है। सो ये मैं टेस्ट एंड करता हूँ, तो इसके अंदर मैं इसके होम पेज पे से जाता हूँ। ओके, अब ये देखो, ये हम होम पे, इसके क्वेश्चन बैंक होम पेज पे आ गए। अगर आप गौर करो, यहाँ देखो नस्ट के कितने क्वेश्चन अवेलेबल है, 22,884 एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें से इतने अनसीन, इतने अटेम्प्टेड, इतने करेक्ट, इनकरेक्ट, अनआंसर्ड वगैरह वगैरह। तो आप इवन रिपोर्ट्स की मदद से ये भी देख सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पीछे जा रहा है, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर, चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से बहरहाल यहाँ पे आप देखें कि बहुत बड़ा जो क्वेश्चन पूल है ये आपके पास अवेलेबल है, जिसके टेस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप सारे एमसीक्यूज का टेस्ट लेना चाहो किसी भी टॉपिक के, फॉर एग्जांपल अगर मेजरमेंट का देखो, इसमें से 389 एमसीक्यूज है। मेजरमेंट के अंदर से आप अगर देखना चाहते हो यार कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस में से आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में से आ रहे हैं, इन दोनों में से आप इवन अप टू 200 एमसीक्यूज का टेस्ट इकट्ठा जनरेट कर सकते हैं, राइट। फिर टेस्ट इसका 200 एमसीक्यूज का आपने जनरेट कर दिया, अब इन 200 एमसीक्यूज को वन बाय वन आप इनको अटेम्प्ट करना शुरू करो। जो सवाल आपका गलत होता है उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। इस तरह से क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों ने लर्न करना है। ये आप लोगों ने अपनी दिमाग को चेंज करना है कि बजाय कि आप लोग किस तरीके से आप लोग किताबें पढ़ने के ऊपर ज्यादा जोर दो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चंस के जरिए लर्न करना है, राइट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। सो मैं आपको ये क्लेम करता हूँ कि अगर आप इंशाल्लाह ये 22,000 से प्लस एमसीक्यूज हैं, इसमें पास्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट, तो इंशाल्लाह नस्ट के एंट्री टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि स्कूल से बाहर आए, ठीक है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए या डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए जब तैयारी करते हैं तो बच्चों को यही अप्रोच होती है कि वो बैठ के मुसलसल वो क्या करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डेज में सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते रहते हैं ऑल द टाइम, और जो गलत होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं या बुक को कंसल्ट कर लेते हैं और वो सवालों के जरिए ही सीखते हैं। अगर आप ये सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो सारी गलतियां जो आपने इम्तिहान में जाके करनी थी वो पहले ही आप लोग कर लेंगे और उन गलतियों को आप लोग करेक्ट भी कर, right? So only way to avoid mistakes on the real exam is to make mistakes before the exam. ठीक है? So ये इतनी बड़ी topic wise जो questions की practice है, ये आपको इस वक्त कोई और पाकिस्तान में system available नहीं है। ये lucky हो आप लोग कि ये system हमने बहुत सारे साल लगा के इसको develop किया है और इतना बड़ा question pool आपको दे दिया है। So straight away मेरे लिए ये ऐसे ही है like आपका NUST में admission लेना कि बस आप सारे के सारा question bank जो है, ठीक है, 22,000 MCQs, इनको आप अटेम्प्ट कर लो, जो गलत हो जाए उनको दोबारा अटेम्प्ट करके सही कर लो। तो ये सारे MCQs आप ठीक कर लो, आपका नस में इंशाल्लाह दाखिला हो जाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि इसके बाहर से पेपर आपको नहीं आएगा, ये बैंक इतना ज्यादा है कि ये सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। सो ये अल्टीमेट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अल्टीमेट टिप मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग topgrade.pk का स्केड्यूल फॉलो करो, ठीक है। ये इसके अंदर देखो मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी हैं सारी टिप्स इसके अंदर ही कवर हो जाती है कि रिटर्न स्केड्यूल बनाओ, वो भी आ गया। फिर मैंने आपको कहा सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक प्रायोरिटाइज करो, वो भी स्केड्यूल के अंदर ही हमने फिट कर दी चीज। फिर मैंने आपको बताया कि हर दिन को वाइजली स्पेंड करो, वो भी मैंने आपको स्केड्यूल के मुताबिक सिखा दिया। आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए भी, ऑफ कोर्स जब आप क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हो तो हमारे क्वेश्चंस हैं ही कॉन्सेप्चुअल, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी इंश्योर हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की बेताशा प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे स्केड्यूल के अंदर ही फिट है कि आपने ये 22,000 एमसीक्यू है तो इनको आपने अटेम्प्ट करना कैसे है, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, सो ऑन। तो ये अल्टीमेट टिप है कि आप हमारा स्केड्यूल फॉलो कर लो, इसके मुताबिक इंशाल्लाह अगर आप तैयारी कर ले तो आपका दाखिला हो जाएगा। अब लास्ट पे हमने आपकी तैयारी करवानी कैसे है, सो अभी आपने स्केड्यूल भी देख लिया हुआ है। तो अगले 28 दिनों के अंदर देखो, अगले 28 दिनों में क्या क्या काम होने हैं, अगले 28 दिनों का मैंने स्केड्यूल बनाया। अच्छा, अगर आप टॉपनेट की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो एग्जाम फर्स्ट करो लेट होता है कि एक महीना या डेढ़ महीना लेट हो जाता है किसी वजह से, तो आप लोगों का, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन तब एक्सपायर होगी जब आप लोग टेस्ट दे चुकोगे, वो जितना भी लेट हो, ठीक है। अगर लेट होता है तो हम आपसे उसका कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी जो 28 डेज का हम आपको स्केड्यूल दे रहे हैं इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको उसकी भी हम तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह, अगर लेट होता है।
इसमें आप देखो कि आप लोगों ने टोटल 208 घंटे पढ़ना है आने वाले 28 दिनों में, हर रोज तकरीबन 8 घंटे की स्टडी बनती है। तो वो आपने ये अपने आप के साथ एक अहद करना है कि यार मेरे करियर से ज्यादा अहम तरीन चीज कोई नहीं है, तो डेली मैंने 8 घंटे अब लगाने लगाने, सिर्फ अगले 28 दिन के लिए 8 घंटे लगा के पूरी जिंदगी लाइक एक आप देखिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में जाना और एक एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल आपका वेट कर रहा हो, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील है आपके लिए, राइट। सो ये अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करो कि डेली आप ये टाइम इतना लगाओगे, और उसके बाद फिर ये 22,884 जो एमसीक्यूज हैं जिसमें तकरीबन 1,500 के करीब पास्ट ओरिजिनल एमसीक्यूज भी शामिल हैं, तो आपने उनको भी कंप्लीट करना है 28 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर आपके जो भी सवाल गलत होंगे, हमारा जो टॉप ग्रेड एट डॉट पीके का स्टूडेंट पैनल है ये मेंटेन करता है आपका लॉग के जो सवाल आपने गलत अटेम्प्ट किए, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, या जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपने मार्क किया, तो आप उन सारे सवालों को दोबारा उनके टेस्ट क्रिएट करके उनको दोबारा सही भी कर सकते हो, तो आप अपनी गलतियों से सो सीखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर थिंग है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और रेफरेंस तब देखने हैं जब आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमें नहीं आ रहे, राइट। अगर बहुत अहम तरीन टॉपिक है आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सवाल मेरे गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मे बी अब आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ने की भी जरूरत है और इसके अलावा एफआरएन और वीडियोस को भी देखने की जरूरत है, तो तब आप उसके ऊपर स्विच करो, नहीं तो टू दी पॉइंट जो तैयारी है वो सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी है। वंस अगेन सादा सी बात है, अगर आपके सारे एमसीक्यू सही हो गए समझ के तो समझ लें आपका नस का पेपर पास हो गया, आपके इंशाल्लाह कोई मतलब 160-170 तक आपका स्कोर आ सकता है, 150 प्लस अगर आप ये सारा पूल अटेम्प्ट कर लो, 150 प्लस आप बहुत इजीली चले जाओ, और ये पूल बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये पूल आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑफ एंड ऑन स्टडी करो, डेली बेस पे 8-10 घंटे इसने आपके लेने हैं, तो आप ये टाइम लगा दो आपका क्वेश्चन पूल पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, और पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपका ऑफकोर्स पूरा का पूरा एनईटी का जो पेपर है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ बड़ा अच्छा कैलिब्रेटेड। इन 28 दिनों के अंदर एक दिन हमने आपको जस्ट फ्री दिया है, वो दिया ईद का दिन, ईद के दिन आप आराम से अपनी फैमिली के साथ ईद को सेलिब्रेट करो, कुर्बानी वगैरह के अंदर जो भी अपना पार्ट लो और रिलैक्स भी करो, यू डिजर्व दिस आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो। उसके बाद फिर 5 जो फुल लेंथ पेपर्स हैं ये भी हमने जगह जगह इनकॉर्पोरेट कराए हैं, एक फुल लेंथ पेपर बिल्कुल स्टार्ट में, अब अभी एक पहला पेपर दोगे नस का एफएलपी कि भाई इस वक्त मैं कहां पे खड़ा हूं, 200 में से मेरे कितने नंबर आते हैं अभी देख लो। उसके बाद फिर जब मिड में जाके जब कुछ 10-12 दिन गुजर जाएंगे, एक हमने तब रख दिया एफएलपी और रिमेनिंग एफएलपी हमने एंड में जाके रख दिए हैं कि अब आप देख लो यार पहले इस वक्त आपकी तैयारी क्या है और 28 दिन के बाद आपकी तैयारी कहां पे खड़ी होगी, बड़ा क्लियर डिफरेंस आपको हमारे एफएलपीज के अंदर ही नजर आ जाएगा, ठीक है। हमारे जो एफएलपीज है ऑफ कोर्स वो भी रियल एग्जाम के ही रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा रियल एग्जाम होता है वैसे हमारे एफएलपीज भी है। उसके बाद भी देखो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है नस का वो हमने आखिरी जो 2 दिन रखे हुए हैं या जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले जो 2 दिन है आपने क्या करना है, आपने उन 2 दिनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो भी आपने जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो कि आपको मुश्किल नहीं लगते हैं, आपको लगता है कि यार अगर आखिरी दिन रिवाइज ना किए तो यहाँ से मेरे सवाल गलत हो सकते हैं, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप लोग रिवाइज करोगे जस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम। सो अगर आप हमारा स्केड्यूल फॉलो कर लेते हो फॉर नस एंट्रेंस टेस्ट तो एक तो आप अपना काफी सारा टाइम बचाओगे और पैसे भी बचाओगे तैयारी के लिए, और उसके बाद भी आप काफी बेहतर तैयारी होगी, यकीन माने कि एकेडमी की निस्बत ये सेवरल फोल्ड्स बेहतर तैयारी है। एकेडमी ने आपको क्वेश्चंस कितने कराने हैं, अगर आप ज्वाइन कर भी लेते तो अगर 30-40 दिन का सेशन होता भी तो मैक्सिमम उन्होंने आपको कितने क्वेश्चंस करा देने हैं, मैक्सिमम मे बी 5,000 करा देते, 6,000 करा देते, ठीक है। आपको बहुत सारा टाइम जाने आने में और वहां पे वेट्स में और डिस्कशंस के वेट्स में, कभी संडे को एकदम सारी डिस्कशंस करा दी, क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो खिचड़ी सी पक जाती है। तो इसके अंदर बड़ा ये इजी है कि आराम से क्वेश्चन में क्वेश्चन जाते जाओ, जो गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो उसको जरा आप इसके अंदर टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर लो, नहीं समझ में आता वीडियो लेक्चर्स को देख लो, नहीं समझ में आता टीचर से डाउट्स को डिस्कस कर लो। सो ऑफकोर्स इस तरीके से आप लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप अगर हमारा स्केड्यूल फॉलो करोगे टाइम भी बचाओ अपने पैसे भी बचाओ और बेहतर तैयारी करो और इंशाल्लाह पक्का नस के अंदर अपना एडमिशन जो अभी से इंश्योर करो। तो अब अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा जो 28 डेज का इंटेंसिव स्टडी सेशन है फॉर द नस एंट्रेंस टेस्ट प्रेप, तो ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पे गिवन है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ये स्केड्यूल भी दे देंगे
और स्केड्यूल भी दे देंगे, और ऑफ कोर्स जो यूजर नेम पासवर्ड है स्टूडेंट पैनल का वो भी आपको दे देंगे, आपको अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे जिसको आप अपने इम्तिहान तक कंफर्टेबली यूज कर पाओ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी. थैंक यू वेरी मच. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल.